दिस फोर बेडरूम हाउस प्लान डिजाइन 25 फीट 0 इंच एंड 40 फीट। ओके 40 फीट, तो इसमें 25 फीट एंड 40 फीट टोटल 1000 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट हाउस प्लान डिज़ाइन आपके साथ आज हम शेयर करेंगे, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट इसमें आपको फोर बेडरूम मिलेगा। फोर बेडरूम से पीछे देखिए, पीछे में आपको दो बेडरूम फ्रंट में, दो फ्रंट इधर से स्टार्ट हो जाएगा, इधर से एंट्री, एंट्री इधर से, ठीक है, इधर डोर और इधर हम डोर क्रिएट करेंगे, दो डोर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो डोर आएगा, और आप क्लब्सविल गेट या आपका जो डबल डोर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डबल डोर क्रिएट करेंगे ऐसे, जो है वुडन डोर, आप डबल आर्च टाइप का डोर फ्रंट पे यूज़ कर सकते हैं। इधर फ्रंट है, इस साइड में, इस साइड में आपको फ्रंट दिखाई देगा। उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे डोर क्रिएट करेंगे, उसके बाद इधर हम ऐसे डोर क्रिएट करेंगे, ओके ऐसे डोर। नेक्स्ट हम इधर दो डोर ऐसे क्रिएट करेंगे जहाँ पर आर्च टाइप का डोर रहेगा, ओके। नेक्स्ट इधर हम D1 क्रिएट करेंगे, D1। नेक्स्ट हम इधर D1 क्रिएट करेंगे, इधर भी D1। उसके बाद इसके अंदर जो हमने यहाँ पर देखिए, जो इसके फ्रंट टाइप, फ्रंट साइड में इसका बैल्कनी प्रोवाइड किया है, इसको हमने 20 फीट का बाहर किया है, तो आपके पास जगह मिलेगा, तो आप बैल्कनी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी जो जगह है यहाँ पर देखिए, ऐसे हम यहाँ पर विंडो, जो येलो कलर है, इसके अंदर विंडो और वेंटिलेटर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इसका भी। तो उसके बाद देखिए इधर इसका बैक साइड में कोई जगह नहीं मिलेगा, फ्रंट में लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में इसको आपको वेंटिलेटर देने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए इसका जो वॉल है, यहाँ पर हम ऐसे इसको हाईलाइट करेंगे, जो है 125 mm स्क्वायर विथ, यहाँ पर इंटरनल वॉल और आउटर वॉल यहाँ पर हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर एक डार्क हमने कटआउट सेंटर में रखा है, क्योंकि इसका जो वेंटिलेटर है टॉयलेट और इसका जो ओपन किचन का, तो वो भी हमें यहाँ पर सेट करना है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर प्रोवाइड किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंटरनल पार्टीशन वॉल, इधर भी आउटर पार्टीशन वॉल, तो आउटर वॉल यहाँ पर हमने 5 इंच प्रोवाइड किया है, और येलो कलर का जो पोजीशन है यहाँ पर हमने वेंटिलेटर प्रोवाइड किया है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर सेंटर में जो है, इधर हमने जो किया है सेंटर का पोजीशन पर, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे देखिए प्रोवाइड किया है 5 इंच वॉल। तो यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर ब्लॉक मिलेगा पीछे की टाइप, पीछे की तरफ, ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको ब्लॉक दिखाई देगा। बाकी जो पोर्शन है आपको हमने ऐसे ही इसके अंदर दिखाया है, जो आपका वेंटिलेटर है इसके अंदर हमने येलो कलर से इसको मार्क कर दिया है, ठीक है, आपको इसमें से समझ में आ जाएगा कहाँ पर आपका वाला है। देखिए यहाँ पर ओपन किचन हमने प्रोवाइड किया है, ओपन किचन। तो इस ओपन किचन प्रोवाइड करने के बाद इसका जो लुक एक इधर ऐसे आएगा, ठीक है, हम इसको स्टार्ट करेंगे। इधर से एंट्री करने के बाद यहाँ पर एक लॉबी, लॉबी और वेटिंग का जो भी एक पार्ट होता है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो इसका विथ यहाँ पर है देखिए 8 फीट 3 इंच विथ है इसका, और यहाँ पर जो लेंथ है 7 फीट 10 इंच, ओके 7 फीट 10 इंच यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ मिलेगा 7 फीट 10 इंच। नेक्स्ट जो है इसका 7 फीट 10 इंच इधर से मिलेगा, तो यहाँ पर हमने 4 फीट का एक डोर यहाँ पर प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हमने 7 फीट, यहाँ पर आपको 9 फीट 10 इंच मिल जाएगा। उसके बाद अंदर आएंगे, यहाँ पर ओपन किचन, ओपन किचन यहाँ पर देखिए, ओपन किचन प्लस डाइनिंग, ओके डाइनिंग, और यहाँ पर ड्राइंग एरिया आपको मिल जाएगा, डाइनिंग और ड्राइंग एरिया, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल लेंथ, यहाँ पर आपको 10 फीट 1 इंच का लेंथ विथ, और यहाँ पर जो है टोटल आपको 18 फीट 4 इंच का यहाँ पर गैप मिल जाएगा। तो ये जो किचन है इसको हमने यहाँ पर रखा है
9 फीट 0 इंच, ओके 9 फीट 0 इंच, और यहाँ पर जो रखा है यहाँ पर हमने 3 फीट विड्थ यहाँ पर प्रोवाइड किया है 3 फीट। उसके बाद देखिए हमने लेफ्ट राइट यहाँ पर जो है एक बेडरूम प्रोवाइड किया है, यहाँ पर एक बेडरूम, जो बेडरूम है इसका विड्थ यहाँ पर 10 फीट है इधर, ठीक है। यहाँ पर डोर, यहाँ पर बैल्कनी हमने प्रोवाइड किया है बैल्कनी, तो इसका जो टोटल वे 3 फीट 8 इंच यहाँ पर, और इसका जो है 8 फीट आपको इधर दिखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो इधर है जो है 11 फीट 8 इंच यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा 12 फीट 4 इंच, 12 फीट 4 इंच हमने इधर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको 10 फीट ही मिलेगा जो है इधर बेडरूम, ओके। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में 2 बेडरूम मिल गया है सब फ्रंट आ गया, तो आप स्टेयर इधर से आप कर दीजिए, ओके इधर से, तो स्टेयर का जो एक एक पार्ट है इधर आपको 3 फीट विड्थ, इधर जो है 3 फीट विड्थ, और इधर जो है 3 फीट विड्थ ऐसे मिल जाएगा। तो इधर जो है इसका लेंथ 7 फीट 6 इंच, और यहाँ पर 3 फीट, ऐसे करके आप इसको टोटल जो स्टेयर है प्रोवाइड कर सकते हैं 8 फीट 3 इंच विड्थ में, ठीक है। स्टेयर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है इसका 2 बेडरूम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो है डाक्ट या काटआउट, डाक्ट या काटआउट, काटआउट है इधर जो है इसका विड्थ यहाँ पर 5 फीट, और इधर 2 फीट 6 इंच विड्थ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बाथ प्लस लैट्रिन, यहाँ पर इधर भी बाथ प्लस लैट्रिन, यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन, इसका विड्थ कितना है यहाँ पर 5 फीट, और इधर विड्थ 5 फीट, ओके। यहाँ पर जो विड्थ है 7 फीट 6 इंच, ओके, यहाँ पर जो है 7 फीट 6 इंच विड्थ है, ठीक है यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर जो है बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम, तो 4 बेडरूम है इधर, ठीक है, यहाँ पर बेडरूम, तो इसका जो विड्थ है 11 फीट 8 इंच, और इसका जो विड्थ है यहाँ पर 12 फीट 4 इंच, ओके 12 फीट 4 इंच, और इधर विड्थ है 10 फीट, ओके, और इधर जो विड्थ है इसका 10 फीट। तो यहाँ पर डोर, यहाँ पर बैल्कनी, बैल्कनी, तो इसका जो है 3 फीट 8 इंच, और इसका जो है 8 फीट, ओके, ऐसे आएगा इसका प्लानिंग। तो प्लानिंग कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर कॉलम प्रोवाइड करेंगे। कॉलम क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ओके 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर कॉलम यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया। उसके बाद देखिए 12 के बाद यहाँ पर जो आएगा आपको एक कॉलम, हम यहाँ पर 13, यहाँ पर 14, ओके, यहाँ पर जो है हम यहाँ पर 15 ऐसे हम प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो यहाँ पर कॉलम ऐसे हम प्रोवाइड करने से अच्छा होगा, ठीक है। तो यही था इसमें जो प्लानिंग है, यही था प्लानिंग, और इसका टोटल जो है 1000 स्क्वायर फीट, इसका जो आउटसाइड वॉल है यहाँ पर 5 इंच वॉल, और इनसाइड में जो वॉल है यहाँ पर 5 इंच वॉल, और इसका जो कॉलम साइज है यहाँ पर 10 बाई 12 इंच का कॉलम। तो इसका जो टोटल कॉस्ट आएगा, कॉस्टिंग यहाँ पर 15 लाख टू 18 लाख रुपीस, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना।